हेलो फ्रेंड्स, ये आप गेर और हमारा जो चंदवा का है चंगला वो देख रहे हो, इसमें पेच खुल गया है और आप देख रहे हो यहाँ पे इसके अंदर लॉक भी नहीं लगी हुई ताकि हमारी स्प्रिंग लेफ्ट और राइट नहीं जाए। ये बहुत बड़ी कमी जो कि जिन्होंने लगाया था वो लगाया, इनका गियर हमेशा स्लिप कर जाता है। और यहाँ पर देखिए, क्योंकि देखिए कितना ढीला हो चुका है इन्होंने, हम लोग रिडिक्शन और गियर में 4 सुराख करके लगाते हैं, इन्होंने 3 सुराख में लगाया है और 3 बोल्ट दिया हुआ है और बोल्ट भी इनका ढीला हो रहा है। तो देखिए हमने इसको उतार लिया है नीचे और इनका जो है शाफ्टिन कितनी टेढ़ी बनी हुई, देखिए चुंगला इनका कितना तिरछा जा रहा है। इसकी वजह से इनका गियर में हमेशा फॉल्ट आती है, गियर इनका हमेशा स्लिप कर जाता है और चलते चलते शटर अपने आप नीचे आ जाता है। और सबसे बड़ी बात देखिए, यहाँ की स्प्रिंग भी ख़राब हो चुकी है, इन्होंने स्प्रिंग ज़रा सी भी स्प्रिंग इन्होंने टाइट नहीं किया है, हमेशा 4 इंची स्प्रिंग हिंच के लगाया जाता है। स्प्रिंग इनकी एकदम फिक्स लगी हुई है, स्प्रिंग में ज़रा सी भी चाल नहीं है। और स्प्रिंग में चाल न होने के कारण ऐसा क्या होता है कि आप जब दम उसमें डालते हो, थ्रेड डालते हो, तो स्प्रिंग आपकी तले ऊपर चढ़ जाएगी। और ये देखिए चुंगला मैंने काट करके निकाल लिया, यहाँ की ढुलकी इन्होंने पूरी ढुलकी ख़राब कर दी है। तो मैंने ढुलकी कटिंग करके चुंगला कटिंग करके निकाला है और फिर इसको अच्छी तरीके से अपने हिसाब से इसको हम लोग फिर से वेल्ड करेंगे। और बीच में एक जो रिंग डाला हुआ है वो भी रिंग इनकी एकदम अल्टर है, टेढ़ी रिंग है, इसको पहले सेट कर लेते हैं। सेट करने के बाद अंदर का टाका इनका एकदम टूट चुका था, चुंगला एकदम बाहर आ चुका था। और जो आप देखिए गियर नीचे पड़ा हुआ है, गियर में 3 सुराख उन्होंने किया हुआ है, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं 4 सुराख करते हैं और हमेशा एक बोल्ट में डबल नट लगा के टाइट करते हैं ताकि वो कभी खुले नहीं। इन्होंने क्या किया है कि एक बोल्ट में एक ही नट लगाया है और प्रॉपर टाइट नहीं था। देखिए 3 सुराख और इसको हम लोग अच्छी तरीके से पूरे अपने हिसाब से प्रॉपर बिल्डिंग कर रहे हैं। बिल्डिंग करने के बाद इसको तीनों में 3 बोल्ट डालने के बाद 2-2 नट और वार्था समेत लगा के को अच्छी तरीके से इसको हम जो है टाइट कर देंगे। शाफ्टिन की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, शाफ्टिन की ऐड चुकी थी, टूट चुकी है। और स्प्रिंग इन्होंने 4 डाल ली, पहले जिन्होंने बनाया था स्प्रिंग वो 4 इसमें डाले थे। हम लोगों ने कुछ नहीं किया है, स्प्रिंग इसके अंदर 2 शटर था गियर का, तो एक शटर में मैंने एक स्प्रिंग डाली है, दूसरे शटर में 2 स्प्रिंग डाली है, क्योंकि 2 स्प्रिंग की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। फ्रेंड्स, कभी भी आप अगर शटर का गियर शटर रिपेयरिंग करते हो तो सबसे पहले आप उसमें देखिए कि आप में आपका जो शाफ्टिन है उसमें फॉल्ट कहाँ से आ रही है, आपका गियर स्लिप कर रहा है, आपका गियर और रिडिक्शन अगर आपका दूर लग जाएगा तो भी आपका गियर जो है स्लिप करेगा, अगर आप ज़्यादा करीब करके लगा दोगे तो आपका गियर टाइट चलेगा। ये आप देखिए कि उसके अंदर आप क्या कर रहे हो, 1 mm या 2 mm का उसमें गैप रहना चाहिए ताकि आपका शटर फ्री चले। और स्प्रिंग में आप काफ़ी ध्यान से स्प्रिंग आप सेट करिए कि स्प्रिंग में आपकी हमेशा 4 इंच की स्प्रिंग, जो स्प्रिंग ऐसे आप लगाते हैं एक तरफ नटबोल्ट लगाने के बाद, एक तरफ आप स्प्रिंग 4 इंची हिंच के लगाइए ताकि थ्रेड करने पर आपकी स्प्रिंग बढ़ती है तो वो दिक्कत ना आए कि आपकी अगर स्प्रिंग आप नहीं बढ़ाते हो तो स्प्रिंग आपकी टाइट हो जाती है। हम लोग ने क्या किया है कि जो भी इसके अंदर कमी थी स्प्रिंग हमने जो है इसकी चाल करके बढ़ाया हुआ है 4-4 इंची और देखिए प्रॉपर हम लोगों ने इसको टाइट कर दिया है नट बोल्ट लगा के। इसमें हम लोग डबल बोल्ट लगा रहे हैं और नट के साथ में लगा रहे हैं ताकि हमारा गियर एक अगर बोल्ट खुलेगा तो एक बोल्ट उसको लॉक करके रखता है, आप इसमें 2 हमेशा करके लगाइएगा। ये शटर जो कि हम लोग लगा रहे हैं ये दरगाह शरीफ मल्लीपुर स्टेशन बहराइच में है, वहाँ पे हम लोग इसको रिपेयर कर रहे हैं। ये यूनाइटेड स्टील कर की दुकान है, उनके यहाँ का शटर रिपेयरिंग कर रहे हैं, जो कि हम लोगों को 2 शटर पूरी तरीके से रिपेयर करने में हम लोग को 1.5 दिन चला गया, 1.5-2 दिन लग गया है। तो ये प्रॉपर हम लोग टाइट करने के बाद इसको फिट करेंगे और इसकी जो पहले से जो शाफ्टिन बनी हुई लगी है जिसमें रिंग और पट्टी लगी हुई है, कभी भी फ्रेंड्स अगर आप इसमें बनाइए तो आप इसमें 4 पट्टी डालिए। इन्होंने क्या काम किया है, इन्होंने 3 पट्टी डाला है। 3 पट्टी डालने से ये होता है कि जो आपका ज़्यादा उसमें जब आप दम पड़ जाता है किसी से टाइट नहीं होता तो आपकी ये शाफ्टिन ऐड जाती है, यानी कि आपकी शाफ्टिन बढ़ जाती है। तो प्लीज़ आप ऐसा करिए कि इसमें जो है कभी भी आप बनाए तो उसको 4 लगाइए, 4 लगाने से आपकी ऐठेगी नहीं। और जो कि हम लोग यहाँ पे कटिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको चुंगला खोलने में वहाँ पे काफ़ी दिक्कत हो रही थी, तो हम लोग यह चुंगले के बगल से 3 पट्टी कटिंग करने के बाद हम लोग यहाँ से इसको
निकालने के बाद यहाँ पे हम लोग जो स्प्रिंग आप देख रहे हो, ये 4 नंबर 18 इंची की स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग हम लोग यहाँ से इसको डाल देंगे। अगर इसको पूरा खोलना हुआ तो हमको दोनों चोंगला काटना पड़ता, इसके लिए क्या करते हैं इसकी पट्टी काट देते हैं। पट्टी काटने के बाद वो स्प्रिंग निकाल देते हैं, फिर हम लोग स्प्रिंग डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से अंदर और बाहर से इसको वेल्ड कर देंगे, प्रॉपर वेल्ड कर देंगे ताकि हमारी वेल्डिंग कमज़ोर ना हो, और अगर हम वेल्डिंग कमज़ोर मारते हैं तो यहाँ से फिर ऐड जाएगा। तो आप क्या करिए, अगर आपका बाहर से निकल रहा है, आपकी साफ्टीन के अंदर से पाइप निकल रहा है, ज़्यादा बेटर है, वो भी सही रहेगा। लेकिन कुछ हद तक का ये भी सही है कि आप अगर साइड में स्प्रिंग डाल ले हो तो आप उसको कटिंग करके स्प्रिंग डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है कि आप पाइप निकालो या फिर बीच से कटिंग कर दो। क्योंकि इसमें ये है कि अगर आपका पाइप अगर इसमें लॉक है क्लिप लगा के, तो फिर आप मुश्किल पड़ता है कि उसमें गैलेंडर से आप कैसे कटिंग करोगे। तो उस बेस को देखते हुए अगर आप इसको पट्टी को कटिंग करके निकालते हो तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप सीधा नब जो है साफ्टीन कटिंग करके निकाल के और स्प्रिंग लगा दो। तो हम लोगों ने उसी तरीके से किया है, पट्टी कटने के बाद साफ्टीन निकालने के बाद हम लोगों ने स्प्रिंग डाल के फिर उसको अच्छी तरीके से उसको वेल्ड कर देंगे। और स्प्रिंग जब भी आप स्प्रिंग लगाते हो फ्रेंड्स, और तो अब इसमें क्या करिएगा कि स्प्रिंग को आप अच्छी तरीके से टाइट करिएगा। और अब स्प्रिंग और ढुलकी और शाफ्टिन आप पूरा गियर लगाने के बाद जब आप पर्दा इसमें फंसाते हो, पर्दे का नट भी आप प्रॉपर बराबर टाइट करो, ताकि अब आपका शटर खटर पटर की आवाज़ ना करें। जो आपके शटर में खटर पटर की आवाज़ आती है, वो खटर पटर की आवाज़ यहीं से आती है, जो आपका नट बोल्ट ढीला रहता है उससे आपकी खटर पटर की आवाज़ आती है। देखिए फ्रेंड्स, इसको हम लोग अच्छी तरीके से वेल्ड कर रहे हैं। वेल्ड करने के बाद इसको अंदर बाहर से वेल्ड कर देंगे, फिर इसके अंदर हम लोग आगे का प्रोसेस करेंगे। और इसमें हम लोग दम डालेंगे, 5-5 दम डालेंगे। ये देखिए कुछ गियर की सफाई कर रहे हैं, जो कि हमारा वर्म था, इसको वर्म बोलते हैं, गियर हमारा बड़ा वाला है, तो ये वर्म की सफाई कर रहे हैं। इसमें क्या है कि बहुत ही ज़्यादा ये काफ़ी पहले ये 2 चक्कर रिपेयर हो चुका है, तीसरी बार हम गए थे तो इसमें क्या किया था, जो भी इसको रिपेयर करने आता था वो इसमें खाली ग्रीस लगा के चला जाता था। तो खाली ग्रीस इसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप खाली ग्रीस लगा दो आपका शटर फिट हो जाए, आपको गियर और रम को बराबर प्रॉपर सेट करना है। अगर आप प्रॉपर सेट करते हो तो उसमें ग्रीस की कोई ज़रूरत ही नहीं, ग्रीस खाली चिकनाई के लिए चाहिए कि हमारा गियर बराबर चले और कटे नहीं। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा इसकी हालत ख़राब थी, इसको हाँ 2 लोग मिलकर डीजल से धोए हैं, फिर हमारा ये पूरा अच्छी तरीके से क्लीन हुआ है। और देखिए यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे स्प्रिंग को बढ़ाने की, हमारी देखिए 18 इंच की स्प्रिंग है, और हमने 4 इंच पे देखिए यहाँ पे इसको एक सुराख किया है, ये पहले से लगी हुई थी और ये मैंने क्लिप लगाया हुआ है। यहाँ से हमारा शटर लॉक्ड हो गया, क्योंकि ये न लेफ्ट जाएगा न राइट जाएगा, और यहाँ पर 4 इंची हमने स्प्रिंग हिंच दिया है, वो भी स्प्रिंग हम 4 इंची हम लोगों ने खींचा है। और ये देखिए यहाँ पर मिनी एक ये पत्ती हम लोग लॉक करेंगे, ताकि लेफ्ट का हिस्सा लेफ्ट में रहे, राइट का हिस्सा राइट में रहे, ये आपका शटर लेफ्ट राइट नहीं जाएगा। और देखिए जो सुराख हमने किया था वो इस तरीके से हम लोग खींच के, ये यहाँ पे मुश्किल पड़ता है, काफ़ी मुश्किल पड़ता है। ये भी स्प्रिंग हम लोग क्या किया, स्प्रिंग करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग कटिंग नहीं करेंगे, ये हम लोग सब तरफ से चुंगले की वेल्डिंग हटा लेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा गियर शटर हम लोगों ने इंस्टॉल कर दिया है, और बहुत ही स्मूथ चल रहा है। अभी देखिए हमने उसमें ग्रीस भी नहीं लगाया हुआ है, जो भी हमारा वरम था, वरम में मैंने ग्रीस भी नहीं लगाया है, तो हमारा गियर शटर एकदम प्रॉपर चल गया है, ये देखिए। और ये रस्सी हम लोग इसके लिए लटकाए हैं, ताकि हमारी नीचे हम लोग जितना बड़ा शटर है उतनी बड़ी हम लोग रस्सी लटकाते हैं, और दम डालने के बाद जहाँ रस्सी ऊपर पहुँच गई, समझो हमारा शटर फ्री चल जाएगा। कभी भी आप करिए तो आप रस्सी बांध के करिए, क्योंकि रस्सी बांधिए या फिर आप निशान लगाइए, आपको प्रॉपर पता चल जाएगा कि आप कितनी रस्सी ऊपर छोड़ दी, आपका कितना थ्रेड इसमें ले रहा है। तो हम लोग इसको रस्सी बांधते हैं ताकि पता चल जाए कि कितना शटर हमारा ऊपर जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, प्रॉपर हमारा अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है शटर, और जो कि रिडिस्टन और क्या बोलते हैं वरम और गियर में हमने इसमें 1 या 2 mm का मैंने इसमें डिस्टेंस फ़र्क रखा है, ताकि हमारा गियर प्रॉपर चले। और साइड में जो कि इनकी ACB शीट लगी हुई थी, वो साइड में गाइड में पेच मार दिया था, तो उसको गाइड की जो पेच लगा हुआ था गाइड में, वो कटिंग कर रहे हैं ताकि हमारा शटर फंसे नहीं। फ्रेंड्स, ये देखिए यूनाइटेड स्टील
तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और इसी तरह वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।